इसके लिए काफी मेहनत की है। दिस फीलिंग यू कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। उनके लिए एक स्पेशल बस बनाई गई है और वो विक्ट्री बस है। उस विक्ट्री बस पर विक्ट्री परेड करेंगे। जो मैंने देख को लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतने लोग सोचे नहीं थे जितने लोग मैंने आज देख लिए। इंडियन टीम का स्टेडियम तक जाना मुश्किल हो गया। मरीन ड्राइव से लेके स्टेडियम तक हर जगह लोग ही लोग है। एक तरफ मुंबई का समंदर है, दूसरी तरफ लोगों का समंदर है। फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पे निकले हुए। और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापस गई है, ट्रॉफी परेड, और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो यह है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने। लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीतता तो होता। लोगों का समंदर उमट के आ गया यार। आप देखो मुंबई पुलिस को ट्वीट करना पड़ रहा है कि भाई और लोग मरीन ड्राइव पे ना आओ, जगह वहां नहीं है। आप देखो मतलब इतना ज्यादा रश, इट्स रियली अनएक्सेप्टेबल यार। मतलब वंखेड़े पूरा भर गया है, वंखेड़े के बाहर मरीन ड्राइव पूरी भर गई है। और आप कैमरे में भी एक एंगल दिखा सकते हो ना, मतलब जो लोग कैमरों में नहीं आ रहे, जो लोग दूर तक है यार, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। बहुत सारे मामला ऐसे कि ये सेलिब्रेशन एक हफ्ते तक तो होती थी नजर आ रही है। और मैं तो एक आपको टिप भी दे दूं भाई, मुंबई क्यों, आप हर शहर में, हर बड़े शहर में चले जाए, हर स्टेट के, हर सूबे में बड़े आप पहुंच जाए वहां पर। वीडियोस देखी जो बस तैयार की गई है मुंबई में, खुशी हो रही थी और पुराना टाइम याद आ रहा था 92 का, जब हम छोटे थे और देखा था हमने भी कि किस तरह। और मेरा ख्याल है कि इंडिया डिजर्व करता था। ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की, इंडिया अपने घर में ये ट्रॉफी अब सारे फैंस देखेंगे, कहा जा रहा है जी पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन और जश्न का समा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैंस इसलिए भी बड़ा खुश है, उनको लग रहा है कि शायद वो रवायती जिस तरह वो ट्रक में चढ़ के पूरे वहां चक्कर नहीं लगाते, उस तरह वाला माहौल बने यार। एक तरफ नीला समुंदर और एक तरफ इंडियन फैंस, ये नजारा देखने लायक था। कल इंडियन टीम की विक्ट्री परेड निकलनी थी और फैंस का जनसलाब इतना ज्यादा था कि भाई वो वानखेड़े स्टेडियम टाइम से पहुंच नहीं पाए यार। इंडियन टीम का वेलकम करने के लिए इतने ज्यादा फैंस आ रखे थे, हर कोई हैरान था, हर किसी ने ट्वीट किया कल भाई ये होता है फैन क्लब, इंडिया में क्रिकेट को कितना माना जाता है कल दिखा दिया फैंस ने। लास्ट टाइम अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीती थी उस टाइम ये भीड़ देखी गई थी, अब जाके कोई भीड़ देखी है ऐसी। पाकिस्तानी मीडिया भी चलने लग गई कि भाई काश हमारे यहाँ भी विराट कोहली, बुमराह और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर होते, हम भी यहाँ पर परेड निकालते। भाई इनको कौन बताए यार, तुम्हारे यहाँ ऐसे क्रिकेट की परेड नहीं निकलती, तुम्हारे यहाँ आटे की लाइन में लगते लोग। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जो मैंने देख को लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतने लोग सोचे नहीं थे जितने लोग मैंने आज देख लिए। इंडियन टीम का स्टेडियम तक जाना मुश्किल हो गया। मरीन ड्राइव से लेके स्टेडियम तक, मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात करें, हर जगह लोग ही लोग है। एक तरफ मुंबई का समंदर है, दूसरी तरफ लोगों का समंदर है। फुटबॉल को भी पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटीना जब जीती थी फुटबॉल का टाइटल, जब अपने मुल्क के अंदर गए थे, मैंने तब देखे थे इतने सारे लोग सड़कों पर निकले हुए। और आज जब इंडियन टीम अपने मुल्क के अंदर वापिस गई है, ट्रॉफी परेड, और जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। आप टिकट लेते हैं मैच की, अपने फैंस अपने जो कहते हैं ना स्टार्स को देखने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, यहां पे स्टार्स खुद आपके पास चलकर आ रहे और आप उनको और ज्यादा करीब से देख सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। सवाल करते हैं, जिस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है इनको सल्यूट पेश करता है, वाटर कैनन के थ्रू इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, फिर आगे गाड़ी लेके झंडा लेके चल रही होती है, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से निकलते हैं, लोगों का हश रश वहां पे इतना था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहां से बसेस में बैठते हैं, होटल के अंदर पहुंचते हैं, होटल के अंदर रश होता है, होटल से बस जो होती है पूरी, जो कहते हैं ओपन रूफ बस होती है, वो तैयार की हुई चैंपियंस 2024 के नाम से पूरी सजाई हुई है। उस बस के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सारी इंडियन टीम बैठती है और फिर निकलती है मरीन ड्राइव से होती हुई वानखेड़े स्टेडियम के लिए। मरीन ड्राइव के ऊपर इतने लोग थे, इतने लोग हैं कि अभी भी लाइव मेरे सामने चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि जो बस है ना वो कीड़ी के स्पीड से चल रही है, डिंग डिंग के चल रही है। इसको भी छोड़ दें, जो बंदा वानखेड़े के स्टेडियम में बैठा हुआ है, फुल हाउस हुआ हुआ है, बारिश के अंदर वो लोग बैठे रहे, अब आप अंदाजा लगाएं कितने लोग होंगे। वानखेड़े का स्टेडियम 30-40 हजार लोग कंफर्म, 30-40 हजार लोग कंफर्म ना, वानखेड़े का स्टेडियम फुल हुआ है, उससे ज्यादा अवाम सड़कों के ऊपर है। मरीन ड्राइव के ऊपर मेरे ख्याल से लगभग कोई 1.5 से 2 लाख बंदा इस वक्त जिसको कहते हैं ना मरीन ड्राइव के ऊपर होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं मुंबई एयरपोर्ट की, तो वहां पे भी आप लगा लेंगे 10-20 हजार बंदा होगा।
तो तकरीबन आज जितना इंडियन बंदा निकला हुआ है बाहर, इससे पता चलता है खाली लड़के नहीं है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर कोई आया हुआ है। ये बताता है ये लोग कितना, जैसे कहते हैं ना चार से ट्रॉफी को, इनको कितना बेताबी से वेट था कि ट्रॉफी हमें चाहिए, ट्रॉफी हमारे पास आए और फाइनली उनको ट्रॉफी मिली। एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये इसके लिए हमने बड़ा इंतजार किया, बड़ा सबर किया, तो लिटरली शॉक करके रख दिया भारत ने जिस तरीके से उनको वेलकम मिल रहा है। खाली अभी मुंबई की बात हो रही है, अभी अगर रोहित शर्मा कह दे कि हम हर इंडिया की शहर का टूर करेंगे तो आपको हर रोज हर शहर ब्लॉक नजर आएगा। आज पूरा मुंबई जाम हुआ हुआ है, जिस तरीके का वेलकम इंडियन टीम का हो रहा है ये डिजर्व करते थे। फीफा को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, फीफा को पीछे छोड़ दिया क्रिकेट ने, इंडिया के अंदर क्रिकेट इस वक्त पीक के ऊपर जा चुकी हुई है। वाह यार, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये इंडियंस अपनी वर्ल्ड कप की जीत को यार, लोगों का समंदर उमट के आ गया यार। आप देखो मुंबई पुलिस को ट्वीट करना पड़ रहा है कि भाई और लो मरीन ड्राइव पे ना आओ, जगह वहां नहीं है। आप देखो इतना अच्छा ग्राउंड, इतना ऑर्गेनाइज ग्राउंड, टीम इंडिया की बस स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही थी बट एम्बुलेंस को बिल्कुल एकदम रास्ता दिया। ये होते हैं एजुकेटेड देश के एजुकेटेड लोग। एक हमारा मोहम्मद रिजवान है, मौलवी मोहम्मद रिजवान कहता है कि हम सब क्रिकेटर बाद में है, इस्लाम के एम्बेसडर पहले हैं। ये इसके तमाशे चेक करो, और उधर इंडिया कहां से कहां पहुंच गया भाई। ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसको वो डिजर्व करते हैं, हर एक बंदा सेलिब्रेशन इस तरीके से कर रहा है यार। अभी तक सेलिब्रेशन चालू है यार, लोगों के अंदर एक था यार, इतने अरसे से वो आग थी, प्यास थी, वो लोगों में दिख रहा है, अभी तक दिख रहा है। आप देखो कितने दिन हो गए बट ट्रॉफी तो अभी आई है, टीम तो अभी आई है, कारनामे करने वाले हैं, देश को आगे लेके जाने वाले खिलाड़ी तो अभी आए, तो भाई उनका स्वागत तो बनता है, उनका इस्तकबाल तो बनता है। ईद जैसा दिन गुजारा है, पीएम मोदी जी को मिल रहे हैं, उसके बाद अभी लोगों के साथ मिल रहे हैं, अपनी फैमिली से मिले हैं, फिर मरीन ड्राइव पे जिस तरह का वो लोग थे, वो रश था वानखेड़े में, जो रश था यार वही वानखेड़े जहां हार्दिक छपरी छपरी लगता था, और आज समय के पहिए ने भाई वो घुमा है चक्कर, और आज वानखेड़े का वही मैदान था, कह रहा था हार्दिक 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 हीरो, हार्दिक बेस्ट, मुंबई का राजा कौन, हार्दिक पांड्या। आप देखो मतलब इतना ज्यादा रश, इट्स रियली अनएक्सेप्टेबल यार, मतलब वानखेड़े पूरा भर गया है, वानखेड़े के बाहर मरीन ड्राइव पूरी भर गई है, और आप कैमरे में भी एक एंगल दिखा सकते हो ना, मतलब जो लोग कैमरों में नहीं आ रहे, जो लोग दूर से दूर से दूर तक हैं यार, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है, जो घरों में बैठे हुए इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका तो कोई सवाल ही नहीं है ना यार। और मीडिया पे आप देखो इतनी टीआरपी बढ़ी हुई है, इतनी वॉचिंग बढ़ी हुई है यार, यह जिंदा दिल कौम है, और यकीन मानो मुझे खुशी हो रही है, एज पाकिस्तानी मुझे खुशी होती है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की, और उस पे सेलिब्रेशन देख के लोगों की जो सेलिब्रेशन है वही मेरी सेलिब्रेशन है अभी तक यार, ब्रिलियंट। मतलब कि देयर इज नो मैच यार, जिस तरह से वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। मतलब अभी तक वो आइडिया नहीं है कि रोहित शर्मा विराट कोहली का वर्ल्ड कप भी आखिरी हो गया, अभी तो सिर्फ वर्ल्ड कप का मजा ले रहे हैं, ट्रॉफी को उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं प्लेयर्स। कभी रोहित शर्मा वो नाच रहे हैं बस से जो उतरा था यार, मतलब वो देखो रोहित शर्मा कितनी बार नाचा आप मुझे बताओ, शुरू शुरू में वो नाचता था, बट आप मुझे बताओ कितनी बार नाचा है रोहित शर्मा यार। स्काई का तो ऐसा डांस मैंने भी कभी नहीं देखा, वो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव नाच रहा था, फिर वो बस जिस तरह से तैयार की गई और बस के ऊपर जो विक्ट्री परेड हुई है यार, मतलब इंडियंस एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया भी था, वनडे वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जो T20 क्रिकेट में भारी होता है, इंडिया के मैं और इंडिया को फाइनल में हरा के जीत के आए थे, और ऑस्ट्रेलिया में कोई इस्तकबाल ही नहीं था, और इधर इंडिया है भाई, ये क्रिकेट का क्रेज है, इसी वजह से तो क्रिकेट चलती है। फिर लोग कहते हैं आईसीसी फेवरेन दहर है, भाई आईसीसी ने कोई फेवरेन आज तक नहीं दी, बट आईसीसी को चला रहा इंडिया ही है, इतने सारे लोग हैं, इतनी टीआरपी, इतने व्यूअर, इतना क्रेज, इतना करिश्मा, तो आईसीसी कैसे नहीं चलेगा यार। मतलब अनबिलीवेबल सीन्स यार, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि लोग जिस तरह से मरीन ड्राइव पे जमा हुए हुए हैं, जिस तरह से वो एक 2007 वाला सेलिब्रेशन रिक्रिएट हो रहा है, 2011 वाला रिक्रिएट हो रहा है, वही वाला मोमेंट्स लग रहे हैं मुझे यार। मतलब क्या कमाल किया है यार इंडियंस ने यार।